हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। मेरे गिनी पिग और हैमस्टर ने बच्चे दिए ही थे कि जब मैं यहां पे आया फीमेल के पास, और मुझे लगा ही था कि शायद एक दो दिन में ये बच्चे दे दे। और ऐसा होता है अक्सर, जब हम लोगों को ऐसा लगता है तो हम जब भी सेपरेट करते हैं और हो ही जाता है कि वो एक दो दिन में बच्चे दे देती हैं। और यहां जैसे ही मैंने इस बॉक्स में, यानी कि इस जालीदार डब्बे में यहां पे इसको सेपरेट किया, तो ये देखिए, यहाँ इसने 7 बच्चों को जन्म दिया है। और जिस केज में मैंने इसको रखा था वो केज कोई उतना खास अभी बना नहीं है, और समझ लीजिए वो अधूरा केज है, लेकिन रैट्स के हिसाब से बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत केज है। लेकिन वहाँ पे बात ये आ रही थी कि मैं मेल को अलग कैसे करूँ, क्योंकि मेल अलग होने के बाद बिल्कुल अग्रेसिव हो जाता है और ऐसी प्लास्टिक की चीज़ें उसके लिए मामूली चीज़ हो जाती, तो वो इन सभी को काट डालता जितनी भी जालियाँ और यहाँ वहाँ भागता। तो अभी कल या परसों की बात है, मैंने बस फीमेल को इसमें सेपरेट किया ही था। और ये देखिए, यहाँ पे नन्हे नन्हे 7 बच्चे टोटल हुए हैं। तो ये देखिए, इसने इस पर पैर रख दिया। तो यहाँ पे फीमेल में भी ठीक है, और मेरे ख्याल से मेरे उठने से पहले मेरे भाई ने इसको देख लिया था, तभी यहाँ बेडिंग थोड़ी सी साफ़ लग रही है। तो अभी जब मैं उठा हूँ यहाँ पे, तो मैंने जब चेक किया तो गिनी पिग की वीडियो बनाई जस्ट उसी के बाद बीच में ही हैमस्टर्स के पास आना पड़ गया, उन्होंने भी बच्चों को जन्म दे दिया था। और फिर उसके बाद तुरंत ही 4th बच्चा गिनी पिग का होने लगा, फिर वहाँ पे मैं वीडियो बनाने गया और यहाँ से भी बच्चों की आवाज़ आने लगी। यहाँ आया तो खैर ये लोग मेरे ख्याल से सुबह सुबह ही हो गए थे, क्योंकि 7:30 बजे का टाइम था जब हैमस्टर्स और गिनी पिग बच्चे दे रहे थे। तो मेरे ख्याल से इसको 2-4 घंटे हो गए थे, या फिर रात में ही दे दिया हो इसने संडे को, तो मेरे भाई ने इसको चेंज कर दिया था। तो अभी फ़िलहाल हम इसको करेंगे अलग और बच्चों को एक एक करके गिनेंगे। और बस हमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है कि जब भी हम रैट, गिनी पिग, हैमस्टर, कोई भी ऐसा जीव जो हम पाल रखें, अगर वो बच्चे देती है तो बड़े ध्यान से उसको उठाना है। और कोशिश ये करें कि उसके आगे के साइड से, उसके कंधे को जैसे हम पकड़ते हैं किसी को गोद में उठाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही उठाएँ। उसके पेट के पास या उसके पीछे के साइड पर कहीं कोई दबाव ना दें। तो उठाने के बाद इसको मैं अलग करूंगा, फिर एक बार बच्चों को चेक करेंगे कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ से उठाया, इससे क्या है, इसके पेट पे दबाव नहीं पड़ेगा। और ये देखिए, अब ये पूंछ घुमा रही है अपनी और मेरे हाथ पे भी लग रही है। और यहाँ पे ये देखिए, अब ये नीचे उतर गई है और कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बच्चों को एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये वाले बच्चे का पेट यहाँ पे, ये जो सफ़ेद सफ़ेद पेट में आप देख रहे हैं, ये है दूध, और ये बताता है कि यहाँ सफ़ेद निशान पेट फुल हो जाने की निशानी है। और अब बच्चे को बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, अब बस उसको सोना है। और ये देखिए, इसने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया है और ये अभी नींद में, ओह ये नीचे गिर गया। तो अभी इन लोगों को ये देखिए एक बार गिनते हैं, तो टोटल 7 ही हैं। और मुझे अंदाज़ा भी हुआ था, क्योंकि इसकी, इस रैट ने पहले 10 बच्चे दिए थे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद 10 हों, लेकिन बाद में वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले जब गिना तो 7 ही थे। और अभी यहाँ पे सभी बच्चे ठीक हैं फ़िलहाल, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 15 दिन का इंतज़ार है बस, तो 15 दिन में धीरे धीरे इनके बाल आएंगे, और फिर उसके बाद 15 दिन कंप्लीट होने के बाद ये लोग बड़े हो जाएंगे, आंखें खुल जाएंगी, खुद ब खुद खाने लगेंगे, और 20वें दिन फिर इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ये जाएंगे अपने नए ओनर्स के पास, अपने नए नए घर। तो चलिए फिर मिलेंगे हम भी साथ में नई वीडियो के साथ। बाय बाय। वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।